हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि मैं फर्स्ट टाइम ओमान में कैसे आया था, कौन से ऑफिस से आया था, मुझे कितने पैसे भरने पड़े थे ओमान आने के लिए, और मेरा वीज़ा कितने दिनों में आया था। और दोस्तों, काफ़ी लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि आप किस ऑफिस से गए थे और कितना पैसे आप भर कर ओमान में गए थे। तो मैंने सोचा कि सेपरेट इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, तो फाइनली मैं इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं हमारे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे भी करते हैं। अगर आप लोग भी करना होगा तो ज़रूर हमारे इंस्टाग्राम और मेरा यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल क्वेश्चन पूछिएगा, मुझे अगर मालूम होगा तो मैं ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, सवाल पूछ रहे थे ये कि मेरा 3 महीना हो गया मेडिकल कराए हुए और मेरा वीज़ा अभी तक आया नहीं है, तो क्या आगे भी आने का उम्मीद है या नहीं है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि मेरे साथ भी कुछ इसी तरह से सिचुएशन हुआ था। इंडिया में मैं जब टेस्ट मार के इंतज़ार कर रहा था तो काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हुआ था और मेरा भी वीज़ा बहुत ही लेट हो गया आने में। तो मैं भी सोच रहा था क्या होगा यार, मालूम नहीं। तो दोस्तों, सब कुछ इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप अच्छे से समझाने वाला हूँ और बताने की कोशिश करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी विदेश के रिलेटेड नए नए अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, हम बता दें आपको कि मैं इंडिया में ही काम कर रहा था, गुजरात में जामनगर रिलायंस कंपनी में। जामनगर में एक रिलायंस कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, आप लोगों को तो पता ही होगा रिलायंस कंपनी, उसी में मैं काम कर रहा था। और वहीं से मैं प्लानिंग किया था कि मैं विदेश जाऊंगा कहीं भी इंटरव्यू मारकर, जो भी अच्छी कंपनी रहेगी। तो दोस्तों, जितने भी डॉक्यूमेंट थे सब मैंने रेडी करके रखा था, यानी CV, बायोडाटा, फ़ोटो, पासपोर्ट, सब कुछ मैं रेडी करके रखा था। दोस्तों, अगर आपको CV, बायोडाटा अगर आपको बनाने का मालूम नहीं है किस तरह से बनेगा और कैसा रहता है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा, उस वीडियो को देखकर आप अपना भी बायोडाटा और CV बनवा सकते हैं। दोस्तों, मैं सब कुछ रेडी करके रखा था। और एक दिन दोस्तों, मेरे गेट पे जहाँ पे हम काम कर रहे थे रिलायंस कंपनी में, उसी गेट पे एक पर्चा आया, पर्चा दे रहा था, और उसी पर्चा में इंटरव्यू का डेट था और कंपनी का नाम भी लिखा हुआ था। तो मेरे पास वो पर्चा आया तो मैं पढ़ा, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो कंपनी तो अच्छा है और सैलरी भी सही है। और दोस्तों, उसी में लिखा था कि 45,000 रुपये भरना है, तो मुझे मालूम चल गया कि इसमें 45,000 रुपये भरना है और 2 साल के लिए थी काम करने के लिए एग्रीमेंट है, यानी एम्प्लॉयमेंट भी जाए 2 साल के लिए। तो मैंने सोचा चलो यार, इसमें टेस्ट मारते हैं। और मैं क्या किया कि मैं चल दिया, एक दिन पहले मैं गया वहाँ पर। ये ऑफिस था बड़ोदरा में, अनूप टेक ऑफिस, आप लोगों को मालूम होगा, जितने जो लोग विदेश गए होंगे या जो लोग इसके चक्कर में होंगे विदेश आने के लिए, तो बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, जो बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं होगा, लेकिन अनूप टेक ये ऑफिस का नाम है। इसी ऑफिस में मैं गया था दोस्तों, सुबह मैं पहुँच गया 8 बजे। वहाँ पर गया तो देखा कि एजेंट लोग बैठे थे वहाँ पर, लगभग 4 या 5 एजेंट लोग बैठे थे टेबल लगा कर और कुर्सी पर बैठे थे। वहाँ पर पासपोर्ट भी आ गया और CV भी रख कर बैठे थे, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर गए थे, यही नहीं कि मैं ही गया था अकेला, वहाँ पे लगभग 100 या 150 लोग गए थे। तो जिसके संपर्क में जो एजेंट था वो अपने अपना CV अपने एजेंट को देकर रखा था। मैं भी गया तो मैं भी एजेंट से ही गया था, मैं भी एजेंट को दे दिया CV। और वहाँ पे एजेंट से मैंने पूछा कितने समय लगेंगे, तो एजेंट बोला कि ठीक है 10 बजे करीब में, 9:30-10 बजे क्लाइंट आएंगे और उसके बाद से इंटरव्यू चालू हो जाएगा। तो मैं वहाँ पर पासपोर्ट जमा कर दिया, उसके बाद से मैं भी वेट करने लगा। तो क्लाइंट आया तो सभी लोग लाइन से लग गए वहाँ पर ऑफिस पर, तो बारी बारी सबको बुलाया वहाँ पे। और क्लाइंट, खास तौर से मैं अपने बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, जब मेरा नंबर आया और मैं जब क्लाइंट के पास गया, तो वहाँ हमसे सवाल किए जा रहे थे कि आप पहले कहाँ पे काम कर रहे थे और अभी आप प्रेजेंट टाइम में कहाँ काम कर रहे थे, कहाँ कहाँ काम किए, सब सभी छोटे बड़े जानकारी वहाँ पर हमसे पूछा जा रहा था और मैं बता रहा था। दोस्तों, यहाँ पर कुछ एक टेबल टेस्ट, मान लीजिए उसको टेबल टेस्ट वहाँ पर लिया जा रहा था, एक नॉर्मल तरीके से कुछ कुछ सवाल पूछे जा रहे थे, तो मैंने सभी सवालों का जवाब दे दिया। और दोस्तों, वहाँ पे जो लोग नहीं बता पा रहे थे उनको वहीं से वापस कर दे रहा था जो क्लाइंट था वहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी बात है, पहले आप टेबल टेस्ट में बात से अगर आप नहीं निकलते हैं वहाँ से, तो आगे आपको इंटरव्यू नहीं मारने को मौका मिलेगा और आप इंटरव्यू नहीं मार सकते हैं वहाँ से, वहीं से आपको वापस कर देगा। तो दोस्तों, मैं टेबल टेस्ट दे दिया और वहाँ पर जो भी पूछ रहा है आपको बताना है, बस आपके काम के हिसाब से जो भी आपके काम के रिलेटेड जो भी सवाल है वही पूछेंगे आपसे, तो आप बता दीजिए। और वहाँ पे बताने के बाद आपको आगे इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा, यानी टेस्ट मारने के लिए। अगर आप कोई भी काम करते हैं, फिटर हैं, तो आप फिटिंग करने के लिए वहाँ पे इंगल को कटिंग करके आपको फिटिंग करके आपको दिखाना पड़ेगा, बस और कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, वहाँ पे अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आप हो गए। दोस्तों, मेरा भी काम था, मैं वहाँ पर गया और मैं टेस्ट मारा, टेस्ट भी मेरा पास हो गया। तो दोस्तों, पहले से ही मुझे मालूम था कि मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं,
और जब एग्रीमेंट वहीं पे हुआ दोस्तों, उसी दिन एग्रीमेंट भी हो गया, मतलब कि मेरा टेस्ट पास हो गया तो उसी वक्त मेरा एग्रीमेंट भी हो गया। दोस्तों एग्रीमेंट में आपको समझाएंगे कि इसमें ये है, सब कुछ समझाया जाता है। दोस्तों सभी लोग समझ नहीं पाते, वहाँ पे इंग्लिश में लिखा रहता है एग्रीमेंट, तो दोस्तों वहाँ पे पूछने के बाद वो लोग बताते भी हैं कि ये है तुमको मिलने वाला है वहाँ पे जाने के बाद। तो दोस्तों मेरा ओमान का ही था और मैं इंटरव्यू मार दिया और मेरा एग्रीमेंट भी वहाँ पर हो गया। एग्रीमेंट करने के बाद दोस्तों मुझे एक दिन बाद मेरा मेडिकल कराया गया और मेरा मेडिकल अहमदाबाद में हुआ था। वडोदरा में तो इंटरव्यू मारा और मेरा अहमदाबाद में मेडिकल हुआ था। मेडिकल करा के मैं दोस्तों एक दिन बाद मेडिकल हुआ था और वहीं से मेडिकल करा के मैं कुरियर कर दिया था ऑफिस के पास। दोस्तों एजेंट ही भेजा था एड्रेस और मैं वहीं पे कुरियर कर दिया था। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि एजेंट का अभी ऑफिस रहता है, तो अपना ऑफिस का वो एड्रेस दिया था और वहीं पर मैं कुरियर किया था। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि एजेंट भले ही इधर उधर घूमकर इधर ऑफिस में उधर ऑफिस में काम कराता है, लेकिन उनका भी एक ऑफिस रहता है। और दोस्तों जब मेरा सब कुछ हो गया, मेडिकल करा दिए, तो मैं अब आराम से हो गया। मैं फिर भी ड्यूटी करने लगा, ये नहीं कि मैं ड्यूटी करके छोड़ा नहीं, और मैं ड्यूटी रेगुलर में ड्यूटी जा रहा था और मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेरा वीज़ा कब तक आएगा। और दोस्तों ऐसा हुआ ना कि जब 3 महीना बीत गया वीज़ा नहीं आया, तो मैं भी परेशान हो गया था कि यार वीज़ा क्यों नहीं आ रहा, लग रहा है गेम तो फेल नहीं हो गया, तो मुझे इस तरह से लग रहा है नहीं हो रहा था काम। तो मैं एजेंट से बोल रहा था मेरा पासपोर्ट दे दो और मैं दूसरे जगह कहीं लगाऊंगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि मेडिकल का भी मेरा ही खर्चा लगा था, लगभग वहाँ पे 5000 रुपया लगभग लगा था उस टाइम। तो मेरा मेडिकल भी कराया था तो मेरा 5000 रुपया लगा था। मैं सोचा कि चलो 5000 रुपये चला गया, लग रहा है अब नहीं मिलेगा, तो मेडिकल का पैसा तो कोई देता नहीं एजेंट। तो दोस्तों मैं एजेंट से बोल रहा था कि भाई मेरा पासपोर्ट दे दो, अगर काम नहीं हो रहा तो बहुत दिन हो गया और मेरा वीज़ा नहीं आ रहा। तो दोस्तों एजेंट कभी भी ये नहीं बोला कि भाई वीज़ा नहीं आएगा, वो तो बोल रहा था भाई वीज़ा आएगा, 100% वीज़ा आएगा। लेकिन मेरा दिल ऐसा लग रहा था कि लग रहा है नहीं आएगा वीज़ा, क्योंकि यार 3.5 महीना हो गया था वीज़ा नहीं आएगा। तो यार जो लोग भी पूछते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ उन लोगों को कि मेरा वीज़ा कितने दिन में आया, वीज़ा आया था 4 महीने में और मेरा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आ गया। और दोस्तों वीज़ा आने के बाद उसने फ़ोन किया, एजेंट खुद फ़ोन किया कि भाई तुम्हारा वीज़ा आ गया, आ जाओ ऑफिस पे और पैसा जमा करो। तो दोस्तों वहाँ पे गए तो मेरा 45000 रुपया था भरना था, मुझे पहले से पता था, और मैं दोस्तों 45000 रुपये भरा वहाँ। दोस्तों ये भी बात बता दें आपको कि वहाँ पे मैं गया था ना अनुटेक में, तो वहाँ पे एक एजेंट का ऑफिस था, ऑफिस पे गया था। ऑफिस के जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे टिकट नहीं मिला, नहीं वहाँ पे पासपोर्ट मिला, उसका लिंक कहीं और था, यानी कि उसका लिंक था मुंबई में अजीत मैनेजमेंट, आपको तो पता ही होगा ये भी बहुत बड़ी ऑफिस है। तो वहाँ पर हम लोग को भेजा, मतलब पैसा जमा करा लिया अपने ऑफिस में, वडोदरा में ही उसका ऑफिस था एजेंट का, वो एजेंट अपना ऑफिस में पैसा जमा करा लिया और एक पर्ची पर लिख दिया, एड्रेस भी दिया था और बोला कि चले जाओ वहाँ पे इतने तारीख को, यानी 10 दिन बाद के ही टाइम दिया था। और वहाँ पे बोला था कि आप चले जाओ वहाँ पे ऑफिस पे, ये पर्ची दिखाने का, वहाँ पे पासपोर्ट टिकट और सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आपको समझाया जाएगा किस तरह जाना है। और दोस्तों तो तब तक हम लोग गए गाँव पर घूम के चले आएँ और 10वें दिन वहाँ पर पहुँच गए ऑफिस पर मुंबई में। वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ कि हमें बताया गया कि टिकट और वीज़ा वीज़ा सब दिया गया और कोई भी दिक्कत नहीं हुआ दोस्तों, वहाँ पे आराम से सब कुछ मिल गया। और दोस्तों हमको एक कैब भी मिला था रेड कलर में, ताकि आप ओमान में जाओगे एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। तो वहाँ पे हमको ही नहीं, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, लगभग 25-30 आदमी थे, 25-30 आदमी के एक साथ ही मतलब टिकट हुआ था और सबको एक एक कैब मिला था, यानी टोपी एक मिला था, और वही टोपी लेकर हम लोग आए। और दोस्तों ओमान में आने के बाद यहाँ पर रिसीव कंपनी ही की, और कंपनी से बस आया था और सभी लोग टोपी भी पहने थे। तो इस तरह से दोस्तों मैं इंडिया से ओमान आया था और भी कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों, आप आराम से आ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।